आज एक ऐसी स्टोरी आने वाली है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जवान मेरे, जितने जवान भाई बहन नजर आ रहे हैं ना, वो वाकई में सोचेंगे कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आज एक ऐसे नौजवान साथी को मैं बुलाने जा रही हूँ, मैं तो बोलूंगी कि भैया वो 18 साल के वो नौजवान है, वो जोश है, वो जुनून है, जो रियल में आज जवानों के बीच नहीं है। और SKT सर भी बोल रहे हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग धीरे धीरे करने का बिजनेस नहीं है, फास्ट करने का बिजनेस है, एग्रेसिव मोड में करने का बिजनेस है। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी, इन्होंने कैसे संघर्ष को पार करते हुए आज टेक्निकल जैसे मुकाम पे पहुंचे, ब्रांड न्यू टेक्निकल अचीवर है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करने जा रही हूँ, सिंह इज किंग, खजान सिंह जी, प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन जोरदार तालियों के साथ। जय आरसीएम मैडम। जय आरसीएम या सर जी, वेलकम है आपका। मैं अपने सारे गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। मैं नाम खजान सिंह, कलानौर पंजाब का रहने वाला हूँ। वाकई उम्र जो है वो तो 60 दे नजदीक हो गई है, जबकि सारी जो भी नौकरियां 58 साल से रिटायर कर देते हैं। हम शुरुआत की हुई है हमारी, तो मैं अपने खास करके अपने ग्रेट अपलैंड श्री सुनील जी, रविंदर जी, श्रेष यादव, मतलब सुरेंद्र ढींगड़ा साहब, डीके सर, राकेश जी, जिन्हों ने मैनू बहुत ज्यादा बच्चिया वांगू सहयोग दिता ते मैनू कामयाब किया। सो अज तो 4 साल पहला ये बिजनेस जरा मैनू दोबारा मिलया, क्योंकि मैं सन 9 दे विच भी आरसीएम च आया था। उस टाइम से मैंने मेहनत की, नाल मेरे मतलब अपने सीनियर का साथ मिलया, साथ मिलया तो मैं। हाँ जी, बात सर, आवाज आउंदी है मैडम? जी आवाज सही है? हाँ आमदी है सर, आमदी हाँ है ठीक है सर। सर, ठीक आ है सर, रही है। ते मतलब मैनू ईगल पेन का खिताब मिलया चंडीगढ़ से सम्मानित हुए, बड़ी खुशी हुई। पर किस्मत माड़ी कि 12 च साड़ी कंपनी बंद हो गई। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। बंद होने के नाते मैं एक गलत दिशा चुन ली। मेरा जो सीनियर था वो एक पैसे वाले चक्कर में फंस गया, नाल उसके साथ मैं भी फंस गया। बहुत ज्यादा नुकसान किया, 8-9 साल बर्बाद किते। जब वो कंपनी बंद हुई, हमारा पैसा बहुत ज्यादा फंस गया। जो अपने कर्जे अपने कामों वास्ते ले हैं वो भी डिफाल्टर हो गए। बहुत ज्यादा नुकसान होने के नाते जरा मन ही बहुत टूट गया। पर कुदरत का एक ऐसा मेरे साथ करिश्मा होया कि एक दिन मेरी ग्रेट अपलैंड श्री सुनील जी मेरे दरवाजे ते आए। इन्हां नाल मेरी कोई वाकफी नहीं, ते मेरी मैडम ने बाहर देखा कि बाहू आया, मैनू आण के आंदी भी वो बैंक वाले आए आ बैंक वाले आए। मैं बैंक वाले होने करके मैं मेरे किस्त तो लैण वास्ते आए आ, ते मैं उन्हां नू बड़े सन्मान नाल अंदर भालिया, आओ भगत कीती, पानी धानी पिया लिया। पर जब हम बैठे, क्योंकि मेरे वास्ते उन्होंने परमात्मा ने एक फरिश्ता भेजा था, उन्होंने आरसीएम दी गल शुरुआत की। मैनू कहिंदे, अंकल जी मैं सुनिया तुहां आरसीएम करदे रहे। मैं जी करदा रहा, छड़ी क्यों? मैं सर छुट गई क्योंकि कंपनी बंद होने के नाते छड़ गए, ते मुड़ के होर किसी गलत चक्कर में फस गए।
ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੀਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹਮ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਚੱਲ ਹਮਨੇ ਮਤਲਬ ਤੋਰ ਦਿਆ। ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਐਸਾ ਭਾਣਾ ਹੋਇਆ, 10 ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੇਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਆਏ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸੁਨੀਲ ਵੈਦ ਜੀ ਵੀ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਆਏ, ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਲਗਾਈ। ਆਈਡੀ ਲਗਾਈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਵਰਤੂੰਗਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਵੀ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਥਾ, ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 8-9 ਮਹੀਨੇ ਸਰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਗਾਤਾ ਰਿਹਾ, 8-9 ਮਹੀਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਲਾ। ਜਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਕੇ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਸਮਾਨ ਵਰਤਣ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਫਿਰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਵੇਖੋ, ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹਮ ਕਾਮ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਨੇ ਸਾਥ ਕਾ ਮਤਲਬ ਸਰ ਕਾ ਸਾਥ ਲਿਆ, ਸਾਥ ਲਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਨੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਆ, ਮੈਂ ਬਚਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਨਾ ਚਿਰ ਮਤਲਬ ਕਾਮ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ, ਕਦੀ 500 ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ 1,000 ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਸਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਟੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਥਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਤਨਾ ਪਾੜਾ ਕੈਸੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਥਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਆ, ਪਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਮਰਾਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋ ਇਸ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਲਗਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਤਨੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਰਸੀਐਮ ਦੇ ਸੰਗ ਹੀ ਨਿਭੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, 60-70 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਵੈ ਬੜਾ ਭਲਮਾਨ ਸੀ ਵਾਲਾ, ਲੋਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਹਨਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜਨੋਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਢ ਜਾਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਥ ਦਿਆ ਟੀਮ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮਤਲਬ ਭੀਲਵਾੜਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਰ ਖੜੇ ਥੇ,
मेरे साथ एक साथी था, वो बोला देखो इंजन में मतलब रेल दे इंजन में कितनी ताकत होती है, कितने डब्बे खींच लेता है। मैं नहीं, सारे सिस्टम में ताकत है, रेल के इंजन में ताकत नहीं है। देखो पटरी ते चलता ते कितनी तेज भागता, जेकर पटरी तो नीचे ला जाए तो दो पैर भी नहीं चल सकता। सो ये जरा सिस्टम है, जेकर आप इस सिस्टम के बच्चे रहने हैं तो साढ़े मतलब सिस्टम ही काम करता, क्योंकि ये जो भी है जे आप सीनियर दी मानते हैं अपनी मीटिंग अटेंड करते हैं। क्योंकि मैनू डीके सर ने मैनू अज तक नहीं चेता भुलता, जब मेरे घर में मीटिंग रखी गई उन्होंने कुछ चीजा मैनू आखियां, उन्हें आख्या मीटिंग नहीं छड़नी, भावे कोई अब तो एक आदमी जरूर खड़ना नाल, भावे अपने खर्चे से खड़ो। कहिंदे 5 साल, 5 साल काम कर लो, 60 बंदे लै जाओगे तुहाडे नाल 20 आदमी भी साथ दे देणगे ते तुहाडा बिजनेस किते दा किते जा सकदा। मैं उन्हां दा हुक्म नहीं मोड़िया, मैनू जिथे भी मीटिंग मिली है मैं कदी मीटिंग नहीं छोड़ी, क्योंकि ये सिस्टम ही सीखण दा ते सिखाण दा। सो मैं पढ़ाई च भी बहुत पढ़ाई बहुत कम है, क्योंकि पहले काम का लालच होता था, 7वीं में स्कूलों स्कूल में हट गए थे, मतलब पढ़ाई जड़ी आज भी मेरे को मोबाइल चलाउन दी नहीं, मतलब मैं पुछ पछ के ही काम करता हूँ। पर मैनू कोई समझ नहीं आई कि मैनू इन्ना मान सम्मान किवें मिल गया, मैं इस लायक नहीं था। हुण इस सिस्टम दा पैसा जिहड़ा वा, पैसा देना इस सिस्टम दी मजबूरी आ। जो भी इस सिस्टम में काम करता है जेकर सही तरीके से चलता है ते पैसे, अहीं कई बारी चलाकियां मारदे आ, इस सिस्टम में ईमानदारी चलती आ, चलाकी कभी नहीं चलती। जो आदमी चलाकी मारेगा, चलाक होएगा, अपने ढंग से काम करेगा, वो कामयाब नहीं होएगा। सो मैं इन्हीं बातों से माफी चाहता हूँ, कोई गलती हो गई हो तो मैं, क्योंकि मैं कोई बुलारा नहीं हूँ, मैनू तो बातें याद करता रहता, बाद च बातें जो है भूल जाती है। सो मैं इन्हीं के साथ मतलब समाप्ति करता हूँ। जय आरती। बहुत शानदार खजान जी के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। बहुत शानदार सर आपका सेशन रहा, बहुत अच्छी आपने स्टोरी हमें अपनी बताई, और हम सबकी यही शुभकामना है कि खजान जी को हम जल्द से जल्द एमराल्ड के लेवल पे होस्टिंग करते हुए देखें मॉर्निंग सेशन में। बहुत बहुत बधाई हो आपको। सर ने कितनी अच्छी बात बताई है, देखो जैसे ट्रेन के डिब्बे होते हैं ना, लेकर जाना ही जाना, इंजन आपकी अपलाइन है, आप तो बस डब्बा बन के लटक भी जाएंगे ना, बस अपलाइन को फॉलो करिए, सिस्टम को फॉलो करिए, और लगातार हर मीटिंग सेमिनार में जाना। इन्होंने कोई भी मीटिंग सेमिनार मिस नहीं की, और अपने खर्चे पे, कितनी अच्छी बात है, भले एक को लेकर जाओ, अपने खर्चे पे लेकर जाओ, पर जाओ। एक आदमी आपके साथ अगर लगातार 5 साल भी चला गया तो आपका भविष्य सिक्योर हो जाएगा। और मैं हर मीटिंग सेमिनार में बताती हूँ कि जब घर का मुखिया नहीं रहता ना, तो कहीं ना कहीं वो हाथ फैलाना पड़ता है। बुढ़ापे में आपके बच्चे आपका साथ दे पाए या ना दे पाए, बुढ़ापे में भी हमें हाथ फैलाना पड़ता है। पर आज खजान सिंह जी टेक्निकल अचीवर है, 50,000 60,000 पर मंथ की इनकम आ रही है, ये इनकम लाखों में जाएगी। इनका जो अभी का जो समय है ये सिक्योर है, और ये वो दादाजी बनने वाले हैं, लखपति दादाजी, जो इनके बच्चे भी इनको याद किया करेंगे कि हमारे दादाजी रियल में हमारे लिए वो पैसों का पेड़ लगा कर गए, जो पूरे जीवन भर 7 पीढ़ी तक पैसा आता रहेगा। थैंक यू वेरी मच खजान सिंह जी, बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पे देखकर, आपको सुन के। जय
जब आप अगली बार आएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है आप और बेहतरीन तरीके से अपनी स्टोरी को, अपनी कहानी को हमें बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।